नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं आज का जो एग्जाम हुआ सीपीसीटी का। ओके, जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने जो टॉपिक से मुझे बताए गए थे तो वो मैंने आपको बता दिए थे, और यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं, तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो क्या कैसा पेपर रहा है। ओके, तो देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन था कि ब्लू रेज जो डिस्क होती है उसका व्यास पूछा गया था कितना होता है। व्यास पूछा गया था, तो ये मैं ऑलरेडी जो अभी लास्ट के मैंने 3 वीडियो अपलोड किए थे जिसमें मैंने कंप्यूटर मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कराए हुए थे, तो उसी में से एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको पता हो 1.2 mm जो है इसका व्यास होता है, तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। और बात की जाए, एक क्वेश्चन पूछा गया था LCD और LED, ठीक है, LED ये प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, ठीक है, तो ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। और बात की जाए तो रोम से क्वेश्चन था, ठीक है, रोम से क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं है तो बता दिया गया है कि रोम से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, रीड ओनली मेमोरी। ओके, एक क्वेश्चन था एमएस वर्ड से, ठीक है, एमएस वर्ड से एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है, एमएस वर्ड में साइज ऑप्शन का क्या काम होता है। तो ये डिपेंड करता है किस साइज की, फॉन्ट साइज की बात कर रहे हैं या अलग अलग चीजें होती है ना, तो एमएस वर्ड में जो है साइज का क्वेश्चन पूछा गया था, तो एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक था मार्जिन से क्वेश्चन पूछा गया, मार्जिन और गटर मार्जिन इससे क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो था शॉर्टकट की पूछी गई थी, चेंज के शॉर्टकट की, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन था एक, ठीक है। तो शॉर्टकट की ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ उस पर वीडियो, तो आप देख लेना शॉर्टकट की पे, ठीक है। आगे बात की जाए तो पेस्ट के लिए शॉर्टकट की पूछी गई थी, तो देखिए Ctrl+C अपन कॉपी के लिए यूज करते हैं, Ctrl+ जो है बात की जाए तो V जो है वो पेस्ट के लिए यूज करते हैं, Ctrl+X जो है वो किसके लिए, कट के लिए यूज करते हैं, तो इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन थे यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज और बात की जाए एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड इसका आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड आपको पता हो तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो एमएस ऑफिस का होता है, ठीक है। और बात की जाए तो एक क्वेश्चन था विंडोज नेट में कौन सा फाइल यूज होती है, तो ऐसा क्वेश्चन था। उसमें ऑप्शन क्या कैसे थे, तो कुछ क्या है कि ऑप्शन से भी जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। फुल फॉर्म आए थे, जो फुल फॉर्म है उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो आप जरूर कर लीजिएगा। अभी तक जितनी भी फुल फॉर्म आई हैं उस पर भी मैं करीबन 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। लिनक्स किसने लॉन्च किया था ये क्वेश्चन पूछा गया था, चार्ट का क्वेश्चन आया था एक, प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, ये क्वेश्चन था। और स्ट्रीमिंग, शायद स्ट्रीमिंग से क्वेश्चन था, तो इतने सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और आगे बात करूँ तो मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग की बात की जाए तो जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराए हैं वो नहीं कर लीजिएगा, वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नया कुछ भी नहीं है। तो अगर आपने मेरे मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो देखे हैं तो आपको मैथ्स और कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग की करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पैसेज की बात की जाए तो पैसेज भी सिंपल ही है, आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, इसमें मुझे नहीं लगता कोई भी नंबर कम होना चाहिए। देखिए कुछ चीज़ें तो आपको ऑलरेडी फिक्स होना चाहिए, जैसे मैथ्स रीजनिंग हो गया, पैसेज हो गया, तो ये ऑलरेडी 17 नंबर तो आपको इसी के ही हो जाते हैं, बाकी के आप बचते हैं GK हो गया, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर 52 का नंबर है, तो अगर आप इसमें से 20 नंबर 20-25 नंबर भी लाते हैं, आधा भी नंबर लाते हो ना, तब भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जिन लोगों का कल एग्जाम है वो लोग अच्छे से आराम से बिल्कुल माइंड फ्रेश होकर एग्जाम देना, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छे मतलब ज़्यादा लेवल का पेपर देखने को नहीं मिल रहा है, आप देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपका एग्जाम निकल जाएगा, जो आपने पढ़ा है उसी पर फोकस कीजिए, रिवाइज कीजिए,
ओके। और देखिए जो लोगों का हाई कोर्ट की बात की जाए तो मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ, क्या क्या कैसे परसेंटेज आपको वहाँ पर भरना है, क्योंकि नंबर आपको पता पड़े होंगे और नंबर से आपके इतना क्या परसेंटेज वहाँ पे बनना है एमपी हाई कोर्ट में, तो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको वहाँ पर, टेस्ट सीरीज की भी मिल जाएगी और बात की जाए तो मैथ्स और रीजनिंग की भी मिल जाएगी और इसकी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो जिन लोगों का कल एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, ओके। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर क्या है कि लोग जिन लोगों का एग्जाम है उनके क्वेश्चन पोस्ट कर देते हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए, आपको व्हाट्सएप की लिंक और QR कोड जो है कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाओगे तो कम्युनिटी पोस्ट एक रहता है, वहाँ पर जो है मैंने डाल दिया गया, तो उसमें जाके नहीं आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ से सब बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं तो वो लोग क्वेश्चन सेंड करते हैं, तो वहाँ से आप देख पाओगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।